Hello and welcome to my channel Pallavi's English Academy. Today we will be studying something very interesting. It is all about the basic grammar and I will be communicating with you in both English and Hindi to make things more easier for you all. तो ये जो ग्रामर है ये बहुत बच्चों को हमने देखा है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उन्हें. ग्रामर से बच्चे काफ़ी डरते हैं. क्यों ऐसा होता है? ऐसा अगर हम ग्रामर को बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करें तो आई एम श्योर दैट ये जो डर है आपका वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक ग्रामर इज़ अबाउट सेंटेंसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द सेंटेंस. तो सेंटेंस हम पहले समझ लेंगे कि क्या होता है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग. मतलब सेंटेंस एक साथ हम बहुत सारे शब्द को जब जोड़ते हैं सब एक साथ मिलाते हैं और उससे कुछ मीनिंग निकल के आता है, एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. इजी वे में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. तो अभी हम आइए दो एग्जांपल देख लेते हैं. दिशा वॉक्स हर डॉग. तो दिशा यहाँ पे एक लड़की है, वो अपने डॉग को वॉक पे ले जाती है. तो अगर हम इसे जस्ट इफ़ वी चेंज द सेंटेंस और थोड़ा शब्दों को हम अगर घुमा देते हैं, जैसे वॉक्स डॉग दिशा हर, तो यहाँ पे भी हम वर्ड्स डाल रहे हैं लेकिन क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं. तो हमें प्रॉपर वे में वर्ड्स को ऐसे सजाना है जिससे कि एक मीनिंग निकल आए और वो सेंटेंस उसी टाइम बताया जाता है. सो दिशा वॉक्स अ डॉग. नेक्स्ट सेंटेंस वी सी रामा लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम. तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रामा के बारे में बात कर रहे हैं. और उसे क्या पसंद है? उसे आइसक्रीम खाना पसंद है. तो अगर हम इसी सेंटेंस को फिर से घुमा दे और कोई अगर ऐसे लिखना चाहे कि लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम रामा, तो क्या इससे हमें कोई मीनिंग पता चल रहा है? नहीं. दैट मीन्स द सेंटेंस इज रॉन्ग. सो we have to make the words, we have to put the words in a proper way so that it creates a meaning. That is known as a sentence. तो आइए अभी हम देखते हैं कि kinds of sentences कितने हैं. तो we have four kinds of sentences. First one is assertive or declarative sentence. ये assertive sentence को ही हम declarative sentence भी बोलते हैं. इसके आगे हम देखेंगे imperative sentence होते हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और फाइनल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो इन सेंटेंसेस को अभी हम डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहला हम देख रहे हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो सेंटेंसेस विच आर सिंपली स्टेटमेंट दैट रिले इंफॉर्मेशन. इट कैन बी ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि जो सेंटेंसेस सिर्फ केवल स्टेटमेंट होता है और वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ आप एक डिक्लेयर कर रहे हो, कोई सेंटेंस जिसको आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, दो सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स. दिस सेंटेंस इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन बुक्स, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एज वेल एज इन एसेज. आप कोई भी एसे देख लीजिए या फिर आप आर्टिकल देख लीजिए या फिर नॉर्मली हम बुक्स भी जो पढ़ते हैं उनमें जो सेंटेंसेस यूज किया जाता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. मतलब हम कोई ओपिनियन या फिर कोई फैक्ट जिसको हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और हमेशा ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एंड होते हैं फुल स्टॉप देके. तो आगे हम देखेंगे कि क्या एग्जांपल्स है. दिशा वॉक्स हर डॉग. तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि दिशा जो है वो अपने डॉग को वॉक पे लेके जाती है. फिर आगे का अगला सेंटेंस देखेंगे. आकाश इज द हेड बॉय ऑफ द क्लास. तो आकाश नाम का एक लड़का है, वो अपने क्लास का
हेड बॉय है, ये आप और मैं किसी को बोल रहे हैं। फिर अगले सेंटेंस में देखेंगे कि रीमा इज अ शाई गर्ल, तो रीमा एक बहुत ही शाई लड़की है, बहुत ही लाजुक तरीके की लड़की है, ये भी हम किसी को बता रहे हैं सिंपली रीमा के बारे में। आई होप यू कैन कम टुमारो, तो मैं आशा करती हूँ कि आप कल आ सकते हो। एंड द लास्ट वन इज जॉय लव्स वॉचिंग टीवी, सो जॉय को टीवी देखना बहुत पसंद है। ये सभी सेंटेंस आप देख सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन है, एक डिक्लरेशन है जो कि आप किसी को दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस के तरफ। तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, एक्सप्रेस अ कमांड, एन ऑर्डर, अ डायरेक्शन और अ रिक्वेस्ट। तो इन तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पे आप किसी को कमांड कर रहे हो या फिर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, किसी को इनविटेशन भी देते हैं, तो इन तरीके के जो सेंटेंसेस है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये ऑलवेज टेक्स द सेकेंड पर्सन फॉर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम यहाँ पे सेकेंड पर्सन यूज करते हैं। जैसे आप देख लीजिए एक एग्जांपल, प्लीज टेक द डॉग फॉर वॉक दिशा, तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है दिशा को कि डॉग को वॉक पे लेके जाओ। फिर अगले एग्जांपल में हम देख रहे हैं प्री हीट द ओवन, तो यहाँ पे आप एक इंस्ट्रक्शन कोई आपको दे रहा है कि आपको ओवन को पहले से प्री हीट कर लेना चाहिए। फिर हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि डोंट ईट ऑल द चॉकलेट्स, यहाँ पे ये डोंट ईट ऑल द चॉकलेट्स एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि आप प्यार से किसी को रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं या फिर आप किसी को एकदम से डिमांड करते हो कि आप बिल्कुल सारे चॉकलेट्स मत खाओ। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जॉइन अस टुनाइट फॉर डिनर, यहाँ पे आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर आपके कोई जो जान पहचान के हैं, आप उन्हें अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं वेयर द ब्लैक ड्रेस फॉर द पार्टी, सो इट कैन बी अ एडवाइस, आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, आपको कोई एडवाइस दे रहा है कि आप अपने आज के पार्टी के लिए ब्लैक ड्रेस पहन लो, वो आप पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हम देखें ये सारे आ जाएंगे इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो हमें दोस्तों ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सीधे तरीके से आपको ये बात समझ लेनी है कि सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, और हमेशा इन इंटरोगेटिव सेंटेंस को एंड अप हम करते हैं क्वेश्चन मार्क देके। तो यहाँ पे फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वेयर आर यू टेकिंग द डॉग फॉर वॉक दिशा, तो कोई दिशा से पूछ रहा है ये बात कि वो अपने डॉग को कहाँ पे लेके जा रही है वॉक के लिए। फिर हम आगे का देखेंगे, वेयर आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस में वेयर इज द बॉल, को कोई किसी से पूछ रहा है कि बॉल कहाँ पे है। फिर हाउ आर यू, ये हम अक्सर पूछते हैं कि हाउ आर यू, इज एवरीथिंग फाइन, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस में जहाँ पे आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ एक आप जानना चाहते हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। विच वन इज योर पेन, तो इन पेन में से तुम्हारा पेन कौन सा है। तो हम सभी सेंटेंसेस से समझ रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये सारे हो जाते हैं इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नाउ सेंटेंसेस दैट कॉन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। कई बार दोस्तों हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे अंदर फीलिंग्स काम करता है, एक्सप्रेशंस काम करता है, तो ये जो एक्सप्रेशंस है इसको हम कई बार हमसे बाहर निकल के आ जाते हैं, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं या फिर आप बहुत दुखी हो गए, कभी कुछ आपको बहुत पसंद आ गया, तो ये जो सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं तो हम बहुत अच्छे से कई बार अपने आप को एक्सप्रेस कर डालते हैं, कभी वो पॉजिटिव वे में होता है, कभी वो बहुत नेगेटिव वे में हो जाता है। जैसे कि सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलास दिशा लॉस्ट हर डॉग, तो दिशा अपने डॉग को खो चुकी है और उसको वो बहुत दुख प्रकाश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अलास, एंड देन वी एंड द वर्ड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क,
नेक्स्ट सेंटेंस वी सी हाउ कोल्ड द वेदर इज, बहुत ठंड वेदर है. तो आप किसी को ये बात जब बोल रहे हो तो आप स्ट्रेस कर रहे हो ठंड के ऊपर, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. वॉट अ गॉर्जियस ड्रेस, तो आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके ड्रेस के ऊपर कि वो ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, तो वहाँ पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. द व्यू इज सो ब्यूटिफुल, आप एक व्यू देख रहे हैं कहीं पे और वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपके नज़र से हट नहीं रही है सिनेरियो, तो आप वहाँ पे भी वो आपका एक्सप्रेस कर रहे हो फीलिंग्स को, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं. एंड देन कम्स दे आर सच काइंड हार्टेड पीपल, ये जो लोग हैं ये बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, तो आप फिर बहुत अच्छे से अडोर करके इन लोगों को आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं. सो अभी अगला हम देखेंगे कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेंस टू पार्ट्स, तो हर कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. तो हम पहले देखेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्या होता है ये सब्जेक्ट, तो चलिए देखते हैं. तो सब्जेक्ट इज व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट. तो सबसे पहले ये जो हम पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं कि सब्जेक्ट इज व्हाट और हुम, मतलब क्या है, किसके बारे में है, या फिर किस चीज के ऊपर बेस करके ये सेंटेंस है. तो द सेंटेंस ऑफ हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द नाउन दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग, मतलब और इजी वे में अगर हम इस बात को समझे तो ये सेंटेंस किस बारे में है या फिर किसके बारे में है. दो चीज, व्हाट मतलब किस बारे में और हुम मतलब किसके बारे में है, बस इतना ही आपको समझ लेना है और उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि हमारा जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेते हैं, दिशा वॉक्स हर डॉग, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दिशा है. क्यों दिशा सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस किसके बारे में बोल रहा है, सेंटेंस दिशा के बारे में बोल रहा है कि दिशा अपने डॉग को वॉक पे लेके जाती है. सिमिलरली रामा लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम, तो यहाँ पे भी हम अगर देखें तो किसी पर्सन के बारे में ये सेंटेंस है और यहाँ पे ये पर्सन कौन है, रामा, दैट इज वाई रामा इज द सब्जेक्ट. अभी हम देखेंगे आगे जाके कि आपको दिख रहा होगा कि वॉक्स में वर्ब यूज की हूँ मैं नीचे ब्रैकेट में और यहाँ पे डॉग के नीचे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो क्यों, क्योंकि ये जो वॉक्स है ये एक एक्शन हो रहा है, तो वो दैट इज द वर्ब. सो द वर्ब इज कैरिंग आउट द एक्शन और लिंक कर रहा है वो, मतलब दिशा जो वॉक्स करा रही है वो दोनों में एक लिंक बन रहा है, तो वो हमें आगे का इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंड द ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कौन हो जा रहा है, डॉग हो जा रहा है, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, वो वॉकिंग कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है. तो इसीलिए अभी हम आगे भी देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, ये जो मैंने आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसी से रिलेट कर रहा है प्रेडिकेट. मींस द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. तो पहले तो हम समझ गए कि सब्जेक्ट क्या है, कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और अभी हम देखेंगे कि द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए जो सब्जेक्ट है वो आगे क्या कर रही है, वो दिशा सपोज वॉक्स अ डॉग, तो दिशा इज द सब्जेक्ट एंड इट इज टेकिंग अ डॉग फॉर वॉक, तो वॉक्स अ डॉग इज द प्रेडिकेट पार्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट हो गया. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रामा लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम, तो यहाँ पे हम समझ गए कि रामा सब्जेक्ट है और लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम दैट इज द प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब हमको और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, और वही चीज को हम प्रेडिकेट बोलते हैं. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेशनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. लाइक हमेशा हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस यूजुअली सेंटेंस के पहले आ जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो
प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। तो आपको ये ऐसे सेंटेंस देख के घबराने का नहीं है बिल्कुल। आप देखेंगे कि यहाँ पे कई बार ऐसा ट्रिकी टाइप का सेंटेंस आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि कहाँ सब्जेक्ट है और कहाँ प्रेडिकेट है, और आप अकॉर्डिंगली लोकेट करिएगा। लाइक हियर कम्स द ट्रेन, तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रेन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो सेंटेंस के पीछे तरफ लोकेट किया गया है। तो हियर इज द प्रेडिकेट एंड ट्रेन इज द सब्जेक्ट। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, अक्रॉस द फॉरेस्ट एंड थ्रू द स्ट्रीम रैन द फ्राइटेंड डियर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डियर के बारे में, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस विथ अदर इंफॉर्मेशन। एंड वॉट इज इट, कि फॉरेस्ट को क्रॉस करके और पानी से क्रॉस करके, पानी को क्रॉस करके एक घबराई हुई जो हिरन है वो दौड़ के जा रही है। तो रैन यहाँ पे वर्ब हो गया और डियर जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो हिस्सा हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं वो प्रेडिकेट है। इसके बाद हम और एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे समझ लेंगे दोस्तों, कि इम्परेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा, इन सम इम्परेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। कई बार आप देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है वो छोड़ देते हैं, वो साइलेंट रखते हैं हम। क्यों वो साइलेंट रखते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लेंगे, सिट डाउन, तो आप किसी को ये बोल रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि बैठ जाओ, लेकिन हम वहाँ पे यू सिट डाउन ऐसे करके हम ये जो हम सेकेंड पर्सन है वो यूज़ नहीं किए हैं, वो ओमिट कर देते हैं। फिर हम आगे देखेंगे सिमिलर सेंटेंसेस, थैंक हिम और टेक केयर और ईट योर फूड। तो आप ईट योर फूड श्योरली आप किसी को बोल रहे हैं ये चीज़ कि तुम अपना खाना जो है खा लो, लेकिन हम वहाँ पे सेकेंड पर्सन को ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको इन सभी सेंटेंसेस से बहुत अच्छे से समझ जाना है कि सब्जेक्ट जो है बट इट इज़ लेफ्ट आउट। If you have any kind of doubt regarding this topic, then text me below in the comment section. And oh yes, please don't forget to subscribe.